चैनल चैनल आज हम बात करेंगे अमूर फाल्कन के बारे में, आखिर ये खबरों में क्यों है, और फिर जानेंगे कि आखिर इसको शिकार के प्रवासी पक्षी हैं, फिर देखेंगे कि इसके संरक्षित करने के लिए क्या क्या नियम बनाए गए और इनकी स्थिति क्या है और ये कौन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आखिर ये खबरों में क्यों है। हाल ही में मणिपुर में तामेंगलोंग और सेनापति ज़िलों के जिले अधिकारियों द्वारा अमूर फाल्कन के शिकार, हत्या और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मणिपुर में एक ज़िला है तामेंगलोंग, जहां के सेनापति ज़िलों के जिलाधिकारियों ने अमूर फाल्कन का जो शिकार और उसके बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। अमूर फाल्कन के बारे में जानते हैं कि है क्या। इसे स्थानीय रूप में अकुई पुइना के रूप से के नाम से जाना जाता है। ये सबसे लंबे समय तक उड़ान भरने वाला प्रवासी पक्षी है। ये जो सबसे मतलब दूर तक के और सबसे लंबा डिस्टेंस कवरने वाला ऐसा पक्षी है। अमूर फाल्कन लेकिन लंबी दूरी के शिकार के प्रवासी पक्षी हैं। वे अपना नाम अमूर नदी से प्राप्त करते हैं। अमूर और सेरदरिया कहाँ है? ये यूरोप में है, जो रूस और चीन के बीच से सीमा बनाती है। अमूर नदी है यह अराल सी में गिरती है। वेरूस चीन और अफ्रीका के बीच 22,000 किलोमीटर से अधिक लंबी वार्षिक उड़ान भरते हैं। 22,000 से ज़्यादा किलोमीटर की पूरे साल भर में इनकी उड़ान होती है। ये मई और सितंबर के बीच में साइबेरिया, मंगोलिया और पूर्वी चीन पहुंचते हैं। ये मई और सितंबर के बीच में साइबेरिया और मंगोलिया और चीन पहुँचते हैं और अक्टूबर में मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पहुँचते हैं। फिर इनके संरक्षण से कौन सा बनाया गया है? संरक्षण की स्थिति इनकी है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और शेड्यूल 14 में है IUCN के कम से कम चिंता के विषय में लेस इंडेंजर स्पीसीज हैं। ऐसा कि आज हमने डिस्कस किया अमूर फाल्कन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर द डे।